सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ज्योति, ये बताओ घर वाले कब से ये काम कर रहे हैं मजदूरी का भट्टों पर, कितने साल हो गए? ये तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं। तुम कितने साल से कर रहे हो यहाँ पापा के साथ? मुझे तो तकरीबन 4-5 साल है। और पढ़ाई के दौरान भी काम करते हो आप यहाँ साथ में? जब हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? लगता तो था जैसे कि पढ़ाई के लिए अलग से रूम चाहिए, स्टडी रूम होना चाहिए, लेकिन मैं वो सब मैनेज कर लेती थी अपना जैसे भी करके, कि नहीं मैं कर लूँगी, जितना मेरे पास है उतने में ही कर लूँगी। तो आप किस टाइम आते हो यहाँ? रात में भी आते हो? हाँ, रात को भी आते थे। जब छुट्टी होती थी तो कहीं, जब स्कूल की छुट्टी पड़ जाती थी तो रात को भी आती थी मैं। ऐसी बात नहीं कि रात को भी नहीं करवाया, वॉट ही कर उठाता था रात के टाइम। कि क्या आगे चल के क्या करेगा, इनके रोटी तो बनानी, बर्तन ही तो साफ करने, आगे चल के भी इतना पढ़ा लिखा के क्या करेगा लड़के को। अब क्या कहते हैं वो लोग? अब क्या कहते हैं, अब तो कुछ भी नहीं कहते, चुप रहे। इतने अच्छे नंबरों से आप पास हुए तो कुछ तो उनका मुंह बंद हुआ होगा या कुछ तो अलग सोच बदली होगी उनकी। हाँ, अब तो लगा होगा, हाँ कुछ ना कुछ तो किया जा सके। आप चाहते हैं ये काम कराया गया, परिवार इस काम में ही लगा रहे, या फिर कुछ और बदलाव चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती। इतनी मेहनत करूँगी कि ताकि मेरे भाई बहन भी अच्छे मुकाम हासिल कर सकें और मेरे पेरेंट्स को भी ये काम न करना पड़े। टेंथ के बाद जब रिजल्ट आया उसके बाद तो यूँ मानो कि लाइफ चेंज सी होगी। टेंथ तक का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, लेकिन 11th और 12th मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रही। कहाँ कहाँ से सपोर्ट और मदद मिली? मेरे को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिलता था वो मेरे टीचर्स करते थे, क्योंकि मुझे बुक्स भी और अदर्स जो भी मटेरियल्स वगैरह होता था वो सब मेरे टीचर्स देते थे, और सबसे बड़ी बात वे मुझे गाइड करते रहते थे।
ज्योति ने दिखा दिया कि चाहे बैकग्राउंड कुछ भी हो, ग्रामीण परिवेश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिभा किसी जगह की मोहताज नहीं है। आपका कैसा समय रहा उनके साथ? ज्योति की पहचान हमने की, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं ये मानूंगा कि ज्योति ने खुद जो है अपने आप में एक मिसाल बनकर के पहचान पेश की है। हाई स्कूल का जब हमारे यहाँ 2 वर्ष पहले रिजल्ट आया था तो यहाँ हाई स्कूल में भी ये टॉपर रही थी और उस समय भी जो जनपदीय स्तर पर इसको पुरस्कृत किया गया था। हालाँकि फिर भी इसने अपना सर्वोत्तम दिया और 91% स्कोर इसने हमारे विद्यालय का यहाँ अर्जित किया है, जो हमारे स्कूल की 75 वर्षों का हिस्टोरिकल मैक्सिमम परसेंटेज रहा। अभी तक किसी भी बच्चे के इतने अधिकतम मार्क्स नहीं आए हैं जितने ज्योति के आए हैं। गार्जियंस के लिए आपकी क्या राय है, किस तरह लोग अपने बच्चों के साथ काम कर सकते हैं? नहीं, गार्जियंस को देखो बच्चों को मौका देना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अब देश बहुत आगे जा चुका है, बाकी गार्जियंस को भी मैं यही कहूँगा कि सभी ज्योति ने एक मिसाल कायम की है, इससे वो सीख लें। और आस भी लगी रहती, मेरे पेरेंट्स मुझे ही अपना एक लौता सहारा मानते थे कि यही हमारा भट्टा छुटाओगे, यही कुछ करेगी। पढ़ाई मेरा एक ऐसा हथियार है जिससे मैं अपनी पहचान बना सकूं, अन्यथा कुछ नहीं है। समाज को किस तरह के बदलाव लाने चाहिए अपने अंदर आज के दौर में? मैं तो समाज को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को जितना हो सके ना उतना पढ़ाओ। कहते हैं ना कि छोटे छोटे परिवर्तन से एक बड़ा चेंज आ जाता है, बस वही मेरे लिए है। जैसे बाबा साहब हमारे रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने पढ़ाई के हमारी जैसे लड़कियों के लिए पढ़ाई का ऑप्शन खोला, तो बस मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी कम से कम कुछ तो कर पाऊँ। सावित्री बाई फुले हुए और ज्योतिबा बाई फुले हुए, इन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए योगदान दिया अपना, ये शहीद हो गए इन सब चीज़ों के लिए। तो बस उन्हीं के विचारधाराओं को भी हम भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत भर गए।